कहाँ से आइडिया आया कि मैं फिजिक्स वाला को ही ज्वाइन करें, बाकी मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। क्योंकि इससे पहले भी टेंथ में भी जैसे यूट्यूब पे सर को फॉलो किया था तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो बस वो प्रीवियस एक्सपीरियंस ही था जो यहाँ तक लेकर के आया है, और वो फेथ ही था जो यहाँ ले कर आया है। ओके, आपका क्या राय है फिजिक्स वाले पाठशाला के बारे में? सर, मैं भी YouTube से पहले पढ़ी थी और मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं ज्वाइन की क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निर्भय, आप देख रहे हैं करियर फिलोलॉजी YouTube चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो। अभी हम लोग हैं फिजिक्स वाला पाठशाला के रांची सेंटर पे, जो पड़ता है शिवम कॉम्प्लेक्स नियर प्लाजा सिनेमा के पास। तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन काउंसलर मैम से, जो कि योगिता मैम है। और मैम क्या कुछ खास बताने वाली हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, या फिर फिजिक्स वाला में क्या कुछ खास होने वाला है। आज एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है, सो हम लोग बात करेंगे बच्चों से, जानेंगे कि उनका कैसा लग रहा है, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो हम लोग उन बच्चों से भी फिजिक्स वाला पाठशाला के बारे में फीडबैक लेंगे। बात करते चले हमारे बिहार में पटना वाले ब्रांच पे, तो वहाँ पे एडमिशन सीट फुल हो गई थी 11, 12th एंड टारगेट वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला, तो आप लोग देखते रहिए पूरा वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, तो आप लोग बने रहे हमारे इस वीडियो में। और चलते हैं, देखते हैं मैम क्या बताती हैं यहाँ पे, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कब तक एडमिशन होंगी यहाँ पे। और इधर आप दिखा सकते हैं पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो कि वेट कर रहे हैं, तो सो यहाँ पे उनको बताया जाता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैम से, और मैम क्या बताती हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। मैम वेलकम टू माई चैनल। मैम क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे? हाँ, एडमिशन हमारा चल रहा है अभी, ठीक है। अभी हमारे 11th के आज हमारा ओरिएंटेशन है, जिसके कारण आपको इतना रस दिख भी रहा होगा सेंटर पे। तो अभी हम लोग एडमिशन हमारा 11th का चल रहा है, और ड्रॉपर्स के लिए हम एडमिशन्स ले रहे हैं। ओके मैम, कब तक चलेंगे ये एडमिशन? अभी हम 11th का जो हमारा एडमिशन है ये 8 तारीख तक क्लोज कर देंगे। 8 जून तक हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और टारगेट बैच के? टारगेट बैच के लिए हम भी यही 20 तक एडमिशन्स लेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। क्योंकि जून के लास्ट तक हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ मैम बताना चाहती हूँ जो पेरेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल ये हो? हाँ, पेरेंट्स के लिए तो हमारा सबसे अच्छा ये है कि पहले तो हमें यहाँ पे पेरेंट्स को बुलाना नहीं पड़ता, पेरेंट्स खुद ही आ जाते हैं। फिजिक्स वाला का ऐसा क्रेज़ है, बिल्कुल उसके लिए पेरेंट्स को बताना नहीं पड़ता। बट यही है कि मतलब जो ऑनलाइन मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह में होता है कुछ अवेयर नहीं है, तो उन लोगों को सेंटर पे आकर वो कर सकते हैं जो भी है। हम बच्चों के फीडबैक पे ध्यान देते हैं, हम टाइम टाइम पे बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि हमारे क्लासरूम्स के लिए वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो मतलब वो चेंज करना चाहते हैं। और हम बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं। जी ओके मैम, थैंक यू। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे क्लासरूम का माहौल दिखाते हैं आपको, कि बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों से हम लोग जानेंगे। और जिन बच्चे का आज फर्स्ट डे है, उनका ओरिएंटेशन होने वाला है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। तो फर्स्ट डे है आज उनका, और यहाँ पे ओरिएंटेशन होने वाला है। तो यहाँ पे इस क्लासरूम में नीट के बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसा है, क्या सोचकर आप लोग ली थी एडमिशन यहाँ पे? बस पढ़ने के लिए। पढ़ने के मतलब कि कहाँ से आइडिया आया कि मैं फिजिक्स वाला को ही ज्वाइन करें, बाकी मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। क्योंकि इससे पहले भी टेंथ में भी जैसे यूट्यूब पे सर को फॉलो किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो बस वो प्रीवियस एक्सपीरियंस ही था जो यहाँ तक लेकर के आया है, और वो फेथ ही था जो यहाँ लेकर आया है। ओके आपका क्या राय है फिजिक्स वाले पाठशाला के बारे में? सर, मैं भी यूट्यूब से पहले पढ़ी थी और मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं ज्वाइन की क्लासेस। तो आपको कैसा लग रहा है आज, फर्स्ट डे है आपका? यस सर। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट होगी? यस सर। ओके आपका क्या कहना है? मैं भी यूट्यूब से पढ़ती थी, लेकिन यहाँ का ना बेस्ट है, मुझे यहाँ का नोट्स जो ऐप पे था ना अवेलेबल, वो बेस्ट था, तो इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन की। ओके भाई, आप क्या सोचकर फिजिक्स वाला पाठशाला ज्वाइन किए? क्योंकि अदर एप्लीकेशन से सस्ता पड़ता है, और साथ ही साथ एजुकेशन इसका बहुत अच्छा है। तो आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट डे? एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट है, जोश के साथ हो रहा है सब बोलना। कैसा है भाई बहुत फिजिक्स अच्छा। वाला पाठशाला क्या सोच कर ज्वाइन किए? टेंथ में इससे पहले हम पढ़े थे फिजिक्स वाला से, बहुत अच्छा टेंथ मेरा गया, इसके सोच कर मेडिकल की तैयारी करने के लिए।
ओके और अच्छा कॉलेज ज्वाइन करने के लिए पीडब्ल्यू पाठशाला ज्वाइन किया। आज फर्स्ट डे है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ से हैप्पी हैं? फर्स्ट डे है आप लोगों का? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? ओके थैंक यू। होप यू ऑल लव दिस वीडियो एंड जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें ताकि जिनको नहीं पता है फिजिक्स वाला पाठशाला के बारे में वो यहाँ पर आकर जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं।